4, 3, 2, 1, मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए, आज हमारे ये क्वेश्चन जो कह रहा है, एंगल इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इट सप्लीमेंट, यानी कोई एक एंगल है जो उसके 1/3 के सप्लीमेंट के इक्वल है, तो हमारे को बोल रहा है फाइंड इट्स मेजर, उसका मेजर निकालिए। तो हम लेते हैं, लेट दी एंगल बी एक्स, लेट दी एंगल बी एक्स, अगर एंगल एक्स हो गया तो उसका जो सप्लीमेंट हो जाएगा उसका वो हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जिनका सम जो होता है वो क्या होता है 180। तो अगर एक एंगल एक्स हो जाएगा तो जो सप्लीमेंट हो जाएगा वो 180 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों के अंदर कंपेरिजन दे रखा है, तो हम एक तरफ तो एंगल लिख लेंगे और एक तरफ उसका सप्लीमेंट लिख लेंगे। अब हमको स्टूडेंट इसमें इक्वल टू लगाना है बीच में, तो जो रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या कह रहा है। एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ये कौन, ये 1/3 है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 1/3 भी इक्वल कर देंगे। वही सिंपल सी चीज, कानून का तराजू, अगर ये 1/3 है, ये वाली चीज 1/3 है, तो इक्वल करने के लिए हमारे को उसको 1/3 करना पड़ेगा ना, तभी दोनों इक्वल आएंगे। तो बेसिकली देखिए ये हो जाएगा, 3x is equals to 180 minus x, तो हो जाएगा 4x is equals to 180, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 45 degrees, वेरी सिंपल। तो हमने देखा विद इन ब्लिंक ऑफ आई क्वेश्चन हो गया, सिंपली जो मेजर होगा अपने एंगल वो होगा 45, जो अपने सप्लीमेंट के 1/3 के इक्वल होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर है, फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, एज ऑलवेज प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।